क्या आपने कभी भारत का नववर्ष मनाया है? हैप्पी न्यू ईयर तो मनाया ही होगा। क्या आप भारतीय नववर्ष के बारे में जानते भी हैं? नहीं ना? तो आज जान लीजिए, आखिर आप एक भारतीय हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में नववर्ष उस दिन मनाया जाता है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना आरंभ किया था। हमारा भारतीय नववर्ष 5000 सालों से मनाया जा रहा है। शास्त्रों में दिए गए इसके कुछ सबूत देख लीजिए। सम्राट विक्रमादित्य ने अपना अखंड राज्य इसी दिन स्थापित किया था। 5112 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। प्रकृति के रूप में पूजी जाने वाली माँ आदिशक्ति के नवरात्र का पहला दिन भी यही है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ होता है हमारा भारतीय नववर्ष। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 18 मार्च 2018 के दिन सूर्य की पहली किरण से शुरू होगा हमारा भारतीय नववर्ष। इसी दिन होगा वसंत ऋतु का आगमन। इसी दिन से होगी चारों ओर हरियाली, नए फूल खिलेंगे और प्रकृति अपना नया श्रृंगार करेगी। फसल काटने का समय होगा और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त शुभ होगा, अर्थात हमारा भारतीय नववर्ष वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक और प्राकृतिक संरचना को भी प्रस्तुत करता है। हमारे नव वर्ष को हम विक्रम संवत कहते हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 2018 साल चल रहा है, भारतीय कैलेंडर में 2075 साल आने वाला है, यानी कि विक्रम संवत 2075। विदेशी न्यू ईयर मनाएं, लेकिन अपने नव वर्ष को भूल ना जाएं। हमारा अनुरोध है कि आप नव वर्ष विक्रम संवत जरूर मनाएं। 18 मार्च को माँ दुर्गा की पूजा करें, घर में रंगोली बनाएं। जिस तरह सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उसी प्रकार भारतीय नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं दें। आखिर दुनिया को भी तो पता चले भारत के नववर्ष के बारे में। वीडियो शेयर करके सभी भारतीयों को जागरूक करें। आपको नववर्ष विक्रम संवत 2075 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। और साथ ही अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों और अपने हर उस रिश्तेदारों को टैग करें जिनको आप हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धन्यवाद। और हमारे फेसबुक पेज आस्तिक रिवीलिंग द अल्टीमेट ट्रूथ को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।